कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2005 में साइंटिस्ट ने पृथ्वी की तरह ही एक दूसरा प्लेनेट ढूंढ लिया। इसका वातावरण पूरी तरह से पृथ्वी की तरह ही था। फिर 2006 में नासा ने एक ट्रांसमिशन डिवाइस बनाया जिसकी हेल्प से वो उस प्लेनेट को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे और इस मिशन का नाम उन लोगों ने द ब्रेकन प्रोजेक्ट रखा। इस दौरान वो लोग हर 24 घंटे में हवाई पर बने अपने बीकन प्रोजेक्ट बेस से उस ग्रह को सिग्नल भेजने लगे जिससे वो लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें। अगले सीन में हम एलेक्स और स्टोन नाम के आदमियों को देखते हैं। इस दौरान एलेक्स का बर्थडे था, इसीलिए उसका भाई स्टोन उसे अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए कहता है। तभी एलेक्स की नजर बार में आई एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम सैम होता है। इस दौरान वो वहाँ पर चिकन बर्गर मांगती है लेकिन किचन बंद होने की वजह से उसे बार में चिकन बर्गर नहीं मिलता। ये देखकर स्टोन के रोकने के बावजूद एलेक्स उसके पास पहुँच जाता है और उसे 5 मिनट में चिकन बर्गर लाकर देने के लिए कहता है। लेकिन शॉप बंद होने की वजह से एलेक्स शॉप की छत तोड़कर अंदर पहुँचता है और वहाँ से चिकन बर्गर लेकर वापस आने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान शॉप में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद एलेक्स सैम को चिकन बर्गर दे देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सैम नेवी के एडमिरल टेरेंस की बेटी है और क्योंकि स्टोन भी नेवी में कमांडर था इस वजह से वो अपने भाई की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे जबरदस्ती नेवी ज्वाइन करवा देता है क्योंकि ये उसके फ्यूचर और लाइफ दोनों के लिए अच्छा था। फिर हमें 6 साल बाद मल्टीनेशनल नेवी एक्सरसाइज का सीन दिखाया जाता है। इसे रिपैंक 2012 का नाम दिया गया था। इस एक्सरसाइज में 14 देशों की नेवी आर्मी इकट्ठा होकर गेम खेलती है जिसमें उनमें तालमेल बढ़ सके। इस दौरान हम देखते हैं कि एलेक्स ने नेवी ज्वाइन कर ली है लेकिन जब वो रिपैंक 2012 के लिए अमेरिका की तरफ से फुटबॉल गेम खेल रहा होता है तो इस दौरान उसकी जीत की वजह से अमेरिकन नेवी की टीम हार जाती है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स और सैम अब एक दूसरे के साथ हैं और सैम चाहती है कि एलेक्स उसके फादर से उसका हाथ मांगे। इस दौरान फंक्शन में एक बैटलशिप के साथ साथ उसमें काम करने वाले नेवी ऑफिसर को भी रिटायर किया जाता है और बैटलशिप की जगह पर यूएसएस सैमसन डिस्ट्रॉयर को लॉन्च किया जाता है जिसका कमांडर स्टोन को बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स अपने और सैम के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, इसीलिए वो बाथरूम में जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर जैपनीज शिप का कैप्टन नगाटा पहुँच जाता है जिसने गेम के टाइम पर एलेक्स के मुँह पर लात मारी थी। इसी वजह से एलेक्स और नगाटा में लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें टेरेंस के पास ले जाया जाता है लेकिन इस दौरान वो दोनों ही झगड़े के बारे में झूठ बोल देते हैं। इसके बाद टेरेंस एलेक्स से कहता है कि शायद ये तुम्हारा आखिरी गेम हो इसीलिए तुम इसे अच्छे से एंजॉय कर लो। फिर एलेक्स को उसका भाई स्टोन बताता है कि शायद गेम से वापस लौटने के बाद तुम्हें नेवी से निकाल दिया जाए। इस बात से एलेक्स काफी परेशान हो जाता है और स्टोन से अपनी हेल्प करने के लिए कहता है लेकिन वो भी उसकी मदद करने में पूरी तरह से नाकाम था। फिर हमें सैम को दिखाया जाता है जो एक फिजिकल थेरेपिस्ट का काम करती थी। इस दौरान वो मिक नाम के एक सोल्जर से मिलती है जिसकी दोनों टांगे कट चुकी थी। इस वजह से वो पूरी तरह से निराश हो चुका था लेकिन सैम उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में नासा को 5 अनजान चीजें पृथ्वी पर आती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक सैटेलाइट से टकराने की वजह से टूटकर अलग हो जाती है, बाकी 4 प्रशांत महासागर में हवाई के पास गिरती हैं। इधर टूटा हुआ पार्ट भी हांगकांग में गिरता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर जब हांगकांग में गिरी हुई उस चीज की जाँच की जाती है तो पता चलता है की वो सिर्फ पृथ्वी से नहीं है, जिससे ये बात कन्फर्म हो जाती है की ये स्पेस शिप उसी ग्रह से आए हैं जिनसे नासा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम नेवी ऑफिसर्स को देखते हैं जो समंदर में गिरी हुई उन स्पेस शिप को देख लेते हैं लेकिन वो लोग उसे समझ नहीं पा रहे होते कि वो क्या चीज है। इसीलिए एलेक्स अपने 2 ऑफिसर्स के साथ बोट से उस स्पेस शिप को चेक करने के लिए पहुंचता है लेकिन एलेक्स के छूते ही उस स्पेस शिप में हलचल होने लगती है और वो उसे खुद से दूर फेंक देता है। फिर सबके देखते ही देखते उस स्पेस शिप से 2 अजीब सी लाइट्स निकलती हैं जो कुछ दूर के एरिया को पूरी तरह से एक शील्ड से कवर कर देती हैं। इसमें नेवी के 3 डिस्ट्रॉयर भी आ जाते हैं। इस दौरान जब एक फाइटर प्लेन उस फील्ड को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम एलियन शिप का सीन देखते हैं। इसके अंदर से 3 फाइटर स्पेसक्राफ्ट निकलने लगते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इसके बाद उनमें से एक स्पेसक्राफ्ट अजीब तरह की आवाजें निकालने लगता है। इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से सब लोगों के कानों में बहुत दर्द होने लगता है, इसीलिए सभी ऑफिसर समझ जाते हैं कि वो एलियन लड़ने के लिए वहाँ पर आए हैं, इसीलिए वो भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जॉन पॉल जोन्स डिस्ट्रॉयर पर एलियन स्पेसक्राफ्ट अपने एक अजीब से हथियार से अटैक कर देता है। ये देखकर ऑफिसर स्टोन उनका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो एलियन दोबारा से उनके डिस्ट्रॉयर पर बहुत सारे हथियारों से अटैक कर देते हैं। इससे सैमसन डिस्ट्रॉयर के साथ साथ स्टोन और उसके बहुत सारे साथी भी मारे जाते हैं। अपने भाई को मरा हुआ देखकर एलेक्स बहुत ही
ज्यादा दुखी होता है। फिर जब वो जॉन पॉल जॉन्स शिप में पहुंचता है तो सीनियर होने की वजह से वही शिप का कमांडर बनता है। इस वजह से वो उन एलियंस का सामना करने का फैसला करता है और वो कैप्टन नगाटा को भी अपने साथ देने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन नगाटा अपनी शिप आगे बढ़ाकर एलियंस स्पेसक्राफ्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, उसके शिप पर भी एलियन अटैक कर देते हैं, इससे उसका शिप भी डूब जाता है। ये देखकर एलेक्स के साथ मौजूद ऑफिसर्स एलेक्स से कैप्टन नगाटा और उनके साथियों की हेल्प करने के लिए कहते हैं। हालांकि पहले तो वो उस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जब ऑफिसर उसे फोर्स करते हैं तो वो उन्हें बचाने के लिए अपने जहाज मोड़ लेता है। इससे एलियंस भी उन पर अटैक नहीं करते। इसके बाद उस स्पेसशिप से तीन अजीब से हथियार निकलते हैं जो शहर में मौजूद एयरफोर्स बेस में पहुंचते हैं और वहां पर मौजूद सारे हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर देते हैं और फिर वो देखते ही देखते शहर के हाईवेज को भी नष्ट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि एलियंस स्पेसक्राफ्ट के एक टुकड़े से हिमालय पर मौजूद नासा के वीगन प्रोजेक्ट बेस में पहुंचते हैं, जहां से नासा के साइंटिस्ट ने एलियंस को सिग्नल भेजा था। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर उस लैब के आसपास टहल रहे मिक और सैम को वहां से जाने के लिए कहते हैं और अपनी एक गाड़ी रास्ता बंद करने के लिए वहीं छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि मिक उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और लैब की तरफ बढ़ने लगता है, इसीलिए मजबूरन सैम भी उसके साथ हो जाती है। इसके बाद हम फिर से एलेक्स को देखते हैं जिसके ऑफिसर्स पानी में पड़े हुए एक बेहोश एलियन को ले आए होते हैं और क्योंकि उस एलियन के चेहरे पर अजीब सा हेलमेट लगा हुआ था, इसीलिए एलेक्स कैप्टन नगाटा के साथ उस हेलमेट को निकालता है, जिससे वो सब काफी डर जाते हैं क्योंकि वो एलियन काफी भयानक लग रहा था। तभी उनकी शिप पर उस एलियन के साथ ही अटैक कर देते हैं और उसे सब लोगों के देखते ही देखते वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर एलेक्स भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन इस दौरान उन्हें लगता है कि अब भी उनके शिप पर एलियन मौजूद है, इसीलिए एक ऑफिसर चेक करने के लिए शिप के अंदर पहुँचता है। तभी एक एलियन पहुँचकर वहाँ पर मौजूद मिसाइल को नष्ट करने लगता है, इससे वो ऑफिसर उस एलियन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो एलियन उसे मारने वाला होता है। तभी एलेक्स वहाँ पहुँचकर उस एलियन को गन से शूट करने लगता है, इससे वो एलेक्स पर भी अटैक कर देता है। इसके बाद एलेक्स वहाँ मौजूद दूसरे ऑफिसर को कंट्रोल रूम में जाने के लिए कहता है और खुद बाहर आ जाता है, इससे एलियन भी उनका पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी वो ऑफिसर कंट्रोल रूम से उस एलियन को शूट करके बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। फिर हम सैम को देखते हैं जो रास्ते में खड़ी गाड़ी में मौजूद रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। तभी उनके पास बीकन प्रोजेक्ट में काम करने वाला कार्ल नाम का एक साइंटिस्ट आता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एलियन अपने ग्रह पर सिग्नल भेजना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने हवाई में मौजूद बेस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो कि काफी खतरनाक बात है। लेकिन वो सिग्नल सिर्फ सैटेलाइट की हेल्प से भेजा जा सकता है जो 24 घंटे में एक बार अपनी जगह पर आती है, लेकिन अब उस सैटेलाइट को अपनी जगह पर आने में सिर्फ 5 घंटे बचे थे, जिससे पता चलता है कि 5 घंटे में वो एलियन अपने ग्रह पर सिग्नल भेज देंगे, यानी कि ये एलियंस पृथ्वी पर अपनी आर्मी बुलाना चाहते थे। इसके बाद हम फिर से नेवी आर्मी का सीन देखते हैं। इस दौरान एलेक्स और कैप्टन नगाटा की बातों से पता चलता है कि ना तो वो एलियंस उनकी शिप को देख सकते हैं और ना ही वो लोग उन एलियंस की शिप को देख सकते हैं। इस दौरान कैप्टन नगाटा बिना रडार के अपनी टेक्निक से उन एलियंस पर अटैक करने का प्लान बनाता है, जिस बात से एलेक्स काफी इम्प्रेस होता है और कैप्टन नगाटा को शिप का कमांडर बना देता है। इधर जब सैम मिक और कार्ल को एलेक्स के बारे में बताती है तो कार्ल सैम से एलेक्स को कॉन्टेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि सील्ड लगने की वजह से मैं उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर कार्ल उसे बताता है कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से तुम उस सील्ड के अंदर भी कॉन्टेक्ट कर सकती हो, लेकिन वो डिवाइस बेस में है जहाँ पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए सैम और मिक कार्ल को वो डिवाइस लेकर आने के लिए कहते हैं। हालांकि पहले तो वो मना करता है, लेकिन मजबूरन वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वो उस डिवाइस को लेकर वापस लौट रहा होता है तो एक एलियन उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे कार्ल वो डिवाइस लेकर सही सलामत वापस लौट आता है। इसके बाद हम फिर से शिप का सीन देखते हैं जहां पर वो लोग एलियंस स्पेसक्राफ्ट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले तो वो इस चीज में नाकाम रहते हैं, जिससे दो स्पेसक्राफ्ट उनकी शिप को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, लेकिन फिर वो कैप्टन नगाटा की हेल्प से अपनी तरफ आ रहे दोनों स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर देते हैं। तभी सैम भी एलेक्स के पास रेडियो से कॉन्टेक्ट करती है और सिग्नल के बारे में बताती है। ये जानकर एलेक्स सैम को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है। तभी एक और स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ने लगता है, इससे एलेक्स उन्हें शिप के साथ चट्टानों के पास ले आता है और फिर सूरज के निकलते ही कैप्टन नगाटा के साथ उनके स्पेसक्राफ्ट के शीशे पर स्नाइपर से अटैक करके उसे तोड़ देता है, क्योंकि वो एलियंस धूप की रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते थे, इसी वजह से वो जलकर बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। तभी शिप पर वही अजीब से खतरनाक हथियार अटैक कर देते हैं जिन्होंने शहर पर हमला किया था, इसी वजह से पूरा शिप तहस नहस हो जाता है, इसीलिए सब लोग अपनी जान बचाकर शिप से बाहर निकल
निकल आते हैं। इधर सैम एलेक्स की शिप को इस तरह से ब्लास्ट होता देखकर काफी दुखी होती है, लेकिन मिक उसे समझाता है कि बहुत से लोग लाइट बोट की हेल्प से वहाँ से निकल गए होंगे, और क्योंकि अब उन्हें एलेक्स की तरफ से कोई भी हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मिक और सैम उन एलियंस को सिग्नल भेजने से रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान कार्ल उनके साथ नहीं आता। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी नज़र पुराने बैटल शिप पर पड़ती है, इसीलिए वो उसकी हेल्प से उन एलियंस से लड़ने का फैसला करता है, और साथ ही वो इस बैटल शिप के पुराने ऑफिसर से भी मदद मांगता है और वो लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब बैटल शिप लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एलियन शिप लैंड हुआ था। हालांकि इस दौरान एलियंस अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स बहुत ही समझदारी से उनके वार को नाकाम करके उनके आखिरी बचे हुए स्पेस क्राफ्ट को अपनी टीम की मदद से नष्ट कर देता है, जिससे उनके स्पेस शिप से लगाया हुआ शील्ड भी हट जाता है। उसी समय सैटेलाइट सिग्नल भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि एलियन उसकी हेल्प से सिग्नल भेज पाते, सैम और मिक गाड़ी की हेल्प से सिग्नल के केबल को तोड़ देते हैं। पर इस दौरान सैम का पैर गाड़ी में फंस जाता है, तभी एक एलियन भी उन्हें देख लेता है, इसीलिए मिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि मिक उस एलियन पर अटैक करके उसका हेलमेट निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद जब वो एलियन मिक को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर कार्ल पहुँच जाता है जो उस एलियन पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद कार्ल और सैम मिक के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इधर एलेक्स मिसाइल से हवाई पर बने बेस को उड़ाने वाला होता है, तभी वहाँ पर एलियन स्पेस क्राफ्ट से फिर से वैसे ही हथियार निकलने लगते हैं जिनसे सिटी पर हमला किया गया था, लेकिन इसके बावजूद एलेक्स सिग्नल ट्रांसफर होने से रोकने के लिए बेस को मिसाइल से उड़ा देता है। फिर जब वो हथियार उनके बैटल शिप पर पहुँचने वाला होता है, तभी एयरफोर्स वहाँ आकर उन हथियारों को उड़ा देती है, जिससे एलेक्स और उसके साथी बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिक और स्टोन के साथ साथ एलेक्स और उसके साथियों को भी इतनी बहादुरी से एलियंस का सामना करने के लिए मेडल दिया जाता है। इस दौरान टेरेंस एलेक्स को कमांडर बनने का ऑफर भी देता है। इसके बाद सैम एलेक्स को अपने फादर टेरेंस के पास रिश्ते की बात करने के लिए भेजती है। हालांकि इस बार वो हिम्मत करके सैम का हाथ उससे मांग लेता है। पहले तो टेरेंस इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर वो एलेक्स को अपने साथ लंच पर बुलाता है। इससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। इस बात से एलेक्स भी काफी खुश होता है। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्कॉटलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चों को उसी टूटे हुए स्पेसशिप का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मैकेनिक भी पहुँच जाता है, जो अपने टूल की हेल्प से उस टुकड़े को खोल लेता है, जिससे उसके अंदर से वही एलियंस निकलते हैं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का कोई सीक्वल नहीं है, इसीलिए इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।